हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब लोग बिल्कुल फिट है, खुश है, गुड। तो बच्चे, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, हमने बात करी थी एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, ठीक है, साथ में सिंपल स्पीड और वेलोसिटी की बात भी करी थी। अब मेन बात यह है कि आज हमें क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्पीड। अब क्यों ऐसा कि मैं एक पूरी क्लास आज एवरेज स्पीड के लिए बताना चाहता हूं, ठीक है? देखो, मेन बात यह है बच्चे कि एवरेज स्पीड के ऊपर जनरली 2 मार्क या 3 मार्क का न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम के अंदर, और एक ऐसी चीज जिसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते, ये आपको करना ही है, ठीक है? तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे इसके ऊपर बेस्ड। लेकिन सिर्फ एक न्यूमेरिकल करने से या दो न्यूमेरिकल करने से आपको महारत नहीं मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है? यू नॉट फील कंफर्टेबल फॉर दैट। So that means to just get a confidence, we require at least 20-25 numericals on a topic. तो आपको confidence मिल जाएगा कि भाई अब जैसा भी numerical आ जाए आपके पास, आप उसे कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए उसी sequence में आपको different variety के average speed के question कराऊंगा कि average speed में कौन-कौन सी variety के question बनते हैं। Formula same ही लगेगा, method भी same ही होगा, लेकिन question की language थोड़ी अलग होगी, ठीक है? तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। So now we are starting with the first question, ठीक है? And you can write that. Question number 1. हाँ जी, लिखिए इसके अंदर। A motorcyclist drives from A to B. जिन बच्चों ने अभी मुझे ज्वाइन किया, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है? और उसी सीक्वेंस में मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है? फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and returns back with a speed of 20 km/h returns back with a speed of 20 km/h full stop. Find its average speed. ये क्वेश्चन था, ठीक है? अब देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाता है, किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? थोड़ा स्लो वापस आता है, हो सकता है ट्रैफिक हो रास्ते में, जो भी इसके पीछे रीजन हो। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी, तो पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। नॉर्मली मैथ्स पे जो एवरेज निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आपने दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 और आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये मैथ्स का तरीका है, बट दिस इज रॉन्ग। आपको यहां नहीं करना है ऐसा, ठीक है? कि चीजें उस तरीके से नहीं रहती यहां पर कि आप एवरेज सीधा दिस प्लस दिस अपॉन दिस कर दोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? कि आपके पास 30 किलोमीटर प्लस 20, यानी कि 30 और 20 हो गया 50, अपॉन 2 कर दोगे तो 25 आ जाएगा, वो आपका आंसर। ऐसा आपको लग सकता है, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है? ऐसे नहीं सॉल्व करते। सॉल्व करने का तरीका ये हो गया बच्चे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर एवरेज स्पीड वी हैव अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये था हमारे पास। तो डिस्टेंस तो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को एक्स मान लो या डी मान लो, ओके? डी मान लेते हैं, तो डी डिस्टेंस जाएगा तो डी वापस आएगा। अब देखो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था हमारे पास डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d, ठीक है? जाने का डी और आने का डी, जाने आने दोनों का मिला के हो गया 2d, ओके? अब बात करते हैं टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन के लिए आपको पहले निकालना है जाने का टाइम और आने का टाइम, ठीक है? ये निकालना,
तो मैं लिखता हूं टाइम टेकन, तरीका क्या होता है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, लेट दिस टाइम इज टी वन। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना था डी, और स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर पर आर, तो मैं आपको लिख देता हूं 30। ठीक है, अभी हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे, यूनिट हम बाद में लगा सकते हैं, टी वन इज इक्वल टू डी अपॉन 30। सिमिलरली टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू डी अपॉन 20, T2 is equal to D upon 20, ठीक है? अच्छा, क्योंकि D हो गया डिस्टेंस आने का और स्पीड थी इसकी 20, तो फिर टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम टेकन is T is equal to T1 plus T2, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो T1 हमारे पास हो गया D upon 30, and in place of T2 we can write D upon 20, ये आ गया, right? अब क्या करना है? अब हमें फाइनल फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है, और फाइनल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था 2d, टोटल टाइम टेकन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे और तब पुट कर सकते हो। एक काम करते हैं, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 30 और 20 का एलसीएम आता है 60, ठीक है? तो फिर अब यहाँ क्या आएगा, 3d plus 2d, तो after solving you will get 5, इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पे 2d आ जाएगा और यहाँ पे 3d, ये ठीक है, 32 जा 60 हो गया और 23 जा 60, तो सॉल्व करके आया 5d upon 60। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो यहां पर d अपॉन 12 आ जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं 5d अपॉन 60 यहां लिख लेता हूं, सो 5d अपॉन 60, ओके। अब देखो बच्चे, d से d कैंसिल हो गया, 60 चला जाएगा ऊपर, तो आएगा 2 × 60/5। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स 12, तो आपके पास कितना आता है फाइनली, दैट इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो एवरेज स्पीड है आपकी वी एवरेज, दिस इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर जाने का टाइम, आने का टाइम निकालिए, टोटल टाइम निकालिए, और उसके बाद सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसको आप यहां रिपोर्ट करिए, राइट बेटा? ठीक है, ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अब बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? आप उसको ट्राई करेंगे, फिर मैं उसका आंसर लिखता हूं, एंड देन क्रॉस चेक कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, इसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, इस वीडियो के रिपीटेशन में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, लिखिए उसके अंदर, अ कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी with a constant speed of 60 km/h and returns back to its initial point with a constant speed of 40 km/h, 40 km/h, full stop. Find the average speed of car. Find the average speed of the car
फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी. ये क्वेश्चन था. तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे मैंने क्या पूछा है. अभी आपसे मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हेन इट रिटर्न्स बैक इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ये पूछा गया आपसे. ठीक है, तो चलिए आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा एंड विल क्रॉस चेक. ठीक है, ऑल द बेस्ट, ट्राई दिस. You can take help of this question. ठीक है? राइट, चले देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. तो बेटा मुझे चेंजेस क्या करने हैं इसके अंदर. मुझे फर्स्ट चेंज करना है कि कार वॉज ट्रेवलिंग, डायग्राम बिल्कुल सेम था, 60 किलोमीटर पर आवर से इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड फ्रॉम बी टू ए इट इज कमिंग बैक विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. 60 से जा रही है, 40 से जा रही है. ठीक है, अब बात करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D. अभी भी हमने मान लिया कि ए से लेकर बी तक डी डिस्टेंस था. जब तक आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है आप उसको डी मान सकते हैं. ठीक है, डी जाने का, डी आने का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D. अब टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक टाइम टेकन क्या है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ए से लेकर बी तक जो स्पीड थी वो हमारे पास थी 60, तो डी अपॉन 60 आ गया. सिमिलरली टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर ए तक कितना स्पीड थी वो थी आपके पास डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, T2 इज इक्वल टू D अपॉन 40. ओके, देन टोटल टाइम टेकन D इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी कि D अपॉन 60 प्लस D अपॉन 40. तो फिर हमारे पास क्या आया, मतलब आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था. ठीक है, तो 60 और 40 का आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 120. तो कितना मिला आपको, 2D प्लस 3D. So it is 5D upon 120. 5D upon 120. फिर next हमारे पास यही है, average speed is equal to total distance upon total time. तो value put कर देते हैं हम यहाँ पे. Total distance, V average, average speed is equal to total distance आपने travel किया है 2D. टाइम कितना लगा आपको, 5D अपॉन 120. ठीक है, तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल होता है, 2 इंटू 120 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 5. तो जब आप इसको कट करेंगे 5 से 120 को तो कितना आएगा, 24 आएगा. तो V एवरेज आपके पास सॉल्व करके आ गया 48 किलोमीटर पर आवर. ये था आपके पास इसका आंसर, 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 60 से जा रही है, 40 से आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 एवरेज होगा, नहीं, दिस इज नॉट द मेथड. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब बात करते हैं बच्चे कि और किस वैरायटी का न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं. एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में फॉर्मूला ये रहेगा फाइनली, लेकिन लैंग्वेज बदल जाएगी. अब वो क्या लैंग्वेज है उसको सीखिए. ठीक है, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं. ठीक है, आप उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे. ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप उसको नोट जरूर करेंगे. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Yes.
क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द क्वेश्चन इज लिखिए अ बॉय रन्स अ बॉय रन्स आर यू एन एस रन्स फॉर 10 मिनट्स अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर at a uniform speed of 9 km per hour. Full stop. At what speed should he run for the next 20 minutes so that The average speed comes to 12 km per hour. Average speed comes to 12 km per hour. ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. A boy runs for 10 minutes at a uniform speed of 9 km per hour. Full stop. At what speed should he run for the rest 20 minutes so that the average speed comes to 12 km per hour. ये था क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं. तरीका वही है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. यही फॉर्मूला हम लगाएंगे. ठीक है, देखते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि मैं इसको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं. ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था कि अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर. 10 मिनट्स यानी कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम T1 जो था वो 10 मिनट्स था और वो 9 किलोमीटर पर आवर से यहां पे रन करता है. 9 किलोमीटर पर आवर से वो रन कर रहा है 10 मिनट्स तक. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लिखा था कि एट व्हाट स्पीड शुड ही रन For the next 20 minutes, यानी कि next जो time आपके पास है, वो है 20 minutes का. और आपसे पूछ रहे हैं किस speed से वो उस time पर run करेगा, so that the average speed should come out 12 kilometer per hour. ताकि V average जो आए, average speed, ये वो आपके पास आ जाए 12 kilometer per hour. किस speed से उसको run करना है कि 12 kilometer per hour. देखो एक बहुत सीरियस बात है बेटा. न्यूमेरिकल करने का तरीका यह होता है कि आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन है ना, उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लो. जब आप ड्रॉ कर लेते तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई होती हैं. वरना क्या होता है, हम इमेजिन भी कर रहे हैं सारी चीजें, फिर हम इसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, ये मुश्किल काम है. बेटर ये होता है कि जो पहले आपने इमेजिन किया, जो परसेप्शन बना, जो डायग्राम बना आपके दिमाग में, उसको पहले बना लो कि अच्छा यहां से यहां तक ऐसा हुआ है, यहां से यहां तक ऐसा हुआ है, अब मैं सिर्फ सोल्यूशन सोचूंगा क्योंकि डायग्राम तो सामने बना हुआ है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. मुझे चाहिए होता है सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा, मैं लिखता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब वो किस तरीके से निकलेगा, उसमें निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी. ये दो बातें. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे हो गया. पिछले दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसमें क्या था कि कोई पहले जा रहा है और फिर वापस आ रहा है. इसमें क्या हुआ, वापस नहीं आ रहा है, जा रहा है. एक बार इधर से इधर गया इतना टाइम लगा, एक बार इधर से इधर गया इतना टाइम लगा, ऐसे था. ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम.
स्पीड ए से लेकर बी तक थी 9 और टाइम था 10 मिनट्स, तो हम करेंगे क्या? आपके पास स्पीड जो है वो तो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम है मिनट्स के अंदर, तो ऐसे नहीं सॉल्व किया जा सकता। अगर आर में टाइम है एक जगह पे और दूसरी जगह आपका टाइम मिनट्स में है, तो उसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करते। हम क्या करते हैं, मिनट्स वाले को भी आर में कन्वर्ट कर लो या आर वाले को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, सेम यूनिट होनी चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, 10 मिनट्स जो था उसको मैं 10/60 अगर कर लूं तो ये आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, प्लस मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी, बी से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना है, तो स्पीड थी v2 और टाइम था 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को भी मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक, अब सॉल्व करके मेरे पास क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कट करूंगा तो 3/2 आएगा अगर 3 से हम कट करते हैं, और इसको अगर हम देखते हैं 0 से 0 ये क्या आएगा 1/3, तो आएगा v2 into 1/3, तो फाइनली आपके पास क्या आता है 3/2 + v2/3, ये आपके पास आया। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, ये मेरे पास कितना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना था। ठीक, हम इसको और भी सॉल्व कर लें अगर तो अच्छा रहेगा, ताकि हमको आगे ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े, तो यही मैं आपको बता देता हूं कि ये अगर मेरे पास आ गया तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया अगर इसको, तो क्या आता है, टेक एलसीएम, 3/2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3×3 = 9 हो गया, प्लस 2v2, तो फाइनली ये आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस d, 9 + 2v2 / 6 ये आया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन तो हमको मिल ही जाएगा, हमको दोनों के दोनों मिनट दे रखे हैं, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा और सीधे सीधा डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। तो ये बेसिकली था हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां तक थोड़ा ट्विस्ट था क्योंकि आपको यहां का डिस्टेंस नहीं पता था, यहां का डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं पता था, तो डिस्टेंस कट टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कट टू स्पीड इनटू टाइम, और फिर उन दोनों डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसको आगे कैसे करना है। अब मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को भी एवरेज लिख लेते हैं। ठीक है, वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैल्यू पुट करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या निकाला था आपने, 9 + 2v2 / 6, ये तो डिस्टेंस निकाला। टोटल टाइम, टोटल टाइम में दो टाइम थे हमारे पास, वो था t1 + t2, तो आपके पास कितना आया 9 + 2v2 / 6 अपॉन, t1 की जगह रखूंगा मैं 10 मिनट्स, लेकिन मैंने कहा कि ऊपर मैं कन्वर्जन कर चुका हूं, मिनट्स की जगह मैंने आर्स रखा था, तो इस बार भी आर्स ही रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर दो, प्लस दूसरा जो मेरे पास t2 था वो 20 मिनट्स था, उसको मैं 20/60 कर लूंगा। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बस आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास v2 का आंसर आएगा। अच्छा, एवरेज स्पीड आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है, तो अब देखो क्या करना है। तो बेटा एवरेज स्पीड की जगह मैं लिख देता हूं 12, अब जरा वहां से देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे आएगा, 9 + 2v2 / 6 / एलसीएम अगर ले लिया हम 60 आता है, 10 + 20, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में तो सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, पहले कट कर सकते हैं बाद में एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हुआ मेरे पास 10 + 20, तो मेरे पास क्या आता है 9 + 2v2 / 6 / में कितना बचा 30/60, 30/60 को लिख लेंगे 1/2। अब ये सॉल्व कैसे होता है, 9 + 2v2 / 6 और नीचे वाले कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिख दो 2/1, तो 2 से 3×10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 9 + 2v2 / 3 और इसके लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, इसके लेफ्ट साइड में चल रहा है 12 जो एवरेज स्पीड थी। अब मुझे इनको सॉल्व करके वीडियो निकालना है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑर्डर अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं कि अरे ये तो कैसा क्वेश्चन है, नहीं नहीं
देखो क्वेश्चन का तरीका वही है बेटा, मैंने कहा ना कि मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि फॉर्मूला हमेशा सेम ही लगेगा लेकिन लैंग्वेज बदल जाएगी, इसी की प्रैक्टिस करनी है हमको। 12 × 3 = 36 = 9 + 2v2, तो फिर हमारे पास आता है 2v2 = 36 - 9। अब 36 - 9 कितना हो गया, 27 आ गया, तो v2 = आ गया हमारे पास कितना, 27/2, दैट इज 13.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि उसको सेकंड टाइम 13.5 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा, तब जाके एवरेज स्पीड 12 आएगी। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले डायग्राम बना लो उसका, डायग्राम में हर चीज इंडिकेट कर लो क्या क्या दे रखा है, तो वो चीजें जब सामने दिखने लगते हैं ना, तो हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करना, कि अच्छा डिस्टेंस निकालना है टोटल, फिर दोनों का टोटल टाइम निकालना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है, बस यही तरीका है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं और एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, आपको एक आइडिया लग जाएगा, इस बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा एंड देन क्रॉस चेक। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर एक और क्वेश्चन आप करेंगे, आप वीडियो के रिपीटेशन में बेटा इसका सॉल्यूशन दोबारा देख सकते हैं, वैसे तो मैं इसको लिख रह दूंगा ताकि आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखे, योर क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडेस क्लास। देखिए, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स, on a 120 km track a train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour full stop. Calculate the speed with which the train should move. Calculate the speed with which the train should move rest of the track so as to average 60 km per hour for the entire trip 60 km per hour for the entire trip इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ट्रिप के लिए 60 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आना चाहिए, ये एवरेज लॉस्ट है। ठीक है, ट्राई करिए इसको, ट्राई दिस। आपके हेल्प के लिए मैं डायग्राम बनाया था उसका, ठीक है, उसके बाद आप उसको ट्राई करिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये जरूरी नहीं कि पॉइंट बी बिल्कुल बीचों बीच ही हो, लेकिन हाँ तीन पॉइंट जरूर आएंगे। ठीक है, आपसे लिखा था ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो बेटा 30 किलोमीटर कहां आएंगे, 30 किलोमीटर यहां कहीं आ जाएंगे, ये 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर। ठीक है, और किस स्पीड दे रखी है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम हियर टू हियर 30 किलोमीटर चल रही है, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, यहां पर बी टू सी, अब कितना डिस्टेंस बचा मेरे पास, टोटल कितना है बेटा, कितना लंबा ट्रैक था, 120 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो इससे चल रही है, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया मेरे पास 90 किलोमीटर मेरे पास बचा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 120, उसकी तो टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है,
और आपसे क्या बोल रखा था कि इस ट्रैक पर यानी कि लास्ट के 90 किलोमीटर कौन सी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करे कि उसका जो एवरेज है वो कितना आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर। ये था, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं इसको, और मैं उसको आंसर लिख दे रहा हूं यहां पे, सो दैट यू कैन चेक इट, ठीक है, लेटर ऑन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज V2 शुड बी 90 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है जो मैंने आपको लास्ट कराया, ठीक है, उसके आप हेल्प ले सकते हैं, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक है बेटा, राइट। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, आज की क्लास में यही एंड करूंगा, आप खूब प्रैक्टिस करिए, जो भी आपका डाउट आता है, आपको लगता है कि सर ऐसे करना है क्या, क्या मैं ऐसे किया इसका आंसर नहीं आया, आप मुझे उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा कि उसमें आपने क्या गलती करी है, हम उससे बात भी कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि आपने ये गलती करी है, आपको इसको सही कर लेना है, किस तरीके से आप उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। और मैं कहूंगा कि एटलीस्ट यू डू 20 to 25 न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, और आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई डाउट हो एवरेज लॉस से रिलेटेड तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपके पास जरूर भेजूंगा, ठीक है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, इस बारे में भरोसे मत रहिए कि स्कूल खुलेंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं, सारा काम पहले से ही करके रखेंगे तो आप बेस्ट प्रिपेयर रहेंगे, किसी भी लड़ाई की तैयारी लड़ाई से पहले होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं सोचूंगा बैटल ग्राउंड में जाऊंगा तब जाके चीजें सही होंगी तो ऐसा नहीं होगा, मुझे पहले से अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।